हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज का हमारा सेशन है क्लास 12th फिजिक्स हिंदी मीडियम और टॉपिक है चुंबकत्व। चुंबकत्व का आज हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, दो पार्ट हम पढ़ चुके, आज हम उसके थर्ड पार्ट को पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म। इससे पहले कि मैं आपको टॉपिक पर बात करूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बात आपसे करनी है। वो ये कि देखिए, हमारे वीडियो को डिफरेंट बोर्ड के स्टूडेंट्स, अलग अलग स्टेट के अलग अलग बोर्ड के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सबके सिलेबस में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। और ख़ासकर इस सेशन में COVID-19 के कारण लगभग पूरे इंडिया में सभी स्टेट और सेंट्रल बोर्ड ने अपना सिलेबस रिड्यूस किया है, उसके कारण आपको एक कन्फ्यूज़न रहता है कि हम क्या पढ़ें। तो देखिए, मैं अपने टॉपिक को 100% कंप्लीट करने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कॉम्पिटिटिव को भी प्रिपरेशन कराना है, IIT और NEET के सिलेबस को भी मुझे कवर करना है, जिसका आपका फाउंडेशन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग सिलेबस को टैली कर लीजिए, अपने पास आप न्यू सिलेबस रखिए और वीडियो से उसको मैच करा के आप पढ़िए। हो सकता है कुछ टॉपिक किसी बोर्ड में ना हो, और ये भी बात हो सकता है कि कुछ टॉपिक मेरे से छूटा हो, छोटा मोटा, बड़ा टॉपिक तो छूटेगा नहीं, उसकी सियोरिटी है, छोटा मोटा कोई कंटेंट यदि छूटता हो तो आप उसको अपने से भी कवर करिए। क्योंकि एक बात आप हमेशा ज़िंदगी में ध्यान रखिए, यदि आपको लाइफ में बड़ी सफलता चाहिए तो किसी पर आप 100% डिपेंड मत होइए, आपका अपना भी एफर्ट होना चाहिए, आपको अपना भी लगाना चाहिए। ये मेरा आज का मैसेज है कि आप अपना भी लगाइए मेरे साथ, यदि आपको बड़ा सक्सेस चाहिए तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिज्म के थर्ड पार्ट में। आज हम पढ़ेंगे, जो हम विद्युत में भी एक बार पढ़ चुके हैं, वो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। मैं बता चुका हूँ कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर बार मैग्नेट, दंड चुंबक पर बल आघूर्ण, जैसे हमने विद्युत में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर बल आघूर्ण देखा था, यहां पर हम देखेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर बल आघूर्ण। टॉपिक का सेंस क्या हुआ कि हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और उस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक दंड चुंबक स्वतंत्रतापूर्वक लटका हुआ है, तो उस पर कितना बल आघूर्ण। यदि आपने मेरे चुंबक का फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर मैं मैग्नेट को लटका के आपको बताया था कि मैग्नेट को लटका दिया तो गोल गोल घूम रहा था, तो मैंने आपको वहाँ पर बोला था कि ये बल आघूर्ण के कारण घूम रहा है। और मैंने आपको ये भी बताया कि आगे के वीडियो में उसको क्लियर करूँगा। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि उस चुंबक को घूर्णी गति, मतलब गोल गोल कौन घुमा रहा था, तो उसको घुमा रहा था, जो बल उसको घुमा रहा था वो है बल आघूर्ण। उसी बल आघूर्ण की हम यहाँ पर गणना करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि मान लो ये हमारे पास ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, जिसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मान लो बी है। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये दंड चुंबक है वो स्वतंत्रतापूर्वक लटका हुआ है। सपोज करिए ये दंड चुंबक इसमें स्वतंत्रतापूर्वक लटका है, ये सपोज इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, और ये जो दंड चुंबक है वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर से, इसके साथ में मान लो ये थीटा कोण बनाए हुए हैं। ये हमने मान लिया ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है ब्लू लाइन, और उसमें एक दंड चुंबक लटका हुआ है। अब इस पर कितना बल आघूर्ण होगा ये हमको गणना करना है। तो देखिए, हमको पता है कि यहाँ पर जो ध्रुव हैं, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वह इसको अपने समानांतर लाने का प्रयास करेगा, जिसके कारण वह अपने समानांतर लाने के लिए इस दिशा में एक बल लगाएगा, और इस बल का मान होगा बल F बराबर होता है m × b। तो यह m क्या होगा, इसका ध्रुव प्राबल्य, मान लो इसका ध्रुव प्राबल्य m है और b इसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में भी उतना ही बल लगेगा mb। तो mb बल तो इस प्रकार से यहाँ पर लगेंगे, और हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इस दंड चुंबक की जो प्रभावकारी लंबाई है वो कितना है, 2L है। अब बल आघूर्ण का हमको गणना करना है, छोटा सा कैलकुलेशन है, तो इसलिए बल आघूर्ण जिसको हम प्रदर्शित करते हैं टा या टाउ से, बराबर होता है दोनों में से कोई एक बल,
और उनके बीच की लंबवत दूरी। तो यहाँ पर देखिए हमको दोनों बल, ये दो बल हैं जो कि बराबर हैं, इनके बीच की लंबवत दूरी, तो ये तो तिर्यक दूरी है। लंबवत दूरी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसको हम पीछे बढ़ाते हैं, इस लाइन को हमने एक्शन लाइन इसका पीछे बढ़ाए और यहाँ से इस पर हमने क्या किया, एक लंब डाला। तो मान लो ये बिंदु P है, तो इसका यहाँ पर लंबवत दूरी क्या हो जाएगा, SP होगा, क्लियर। अब ये कोण थीटा है तो एकांतर कोण ये भी क्या होगा, थीटा होगा, और यहाँ पर हमको एक समकोण त्रिभुज मिलेगा SNP, क्लियर। तो लंबवत दूरी क्या हो जाएगा, SP। तो बल आघूर्ण का मान क्या होगा, दोनों में से कोई एक बल या तो MB या MB बराबर बल होते हैं जिसको बल युग्म कहते हैं, तो ये हो गया बल युग्म गुणित दोनों के बीच की लंबवत दूरी, ये S × P। परंतु यहाँ पर देखो चूंकि समकोण त्रिभुज SNP में, इस समकोण त्रिभुज में आप देखो यहाँ पर यदि हम साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, माने SP/SN, साइन थीटा बराबर SP/SN या NS, ये होगा। देयरफॉर साइन थीटा बराबर SP और NS क्या है, ये है उसकी प्रभावकारी लंबाई जिसको हम 2L कहेंगे, ये प्रभावकारी लंबाई है। देयरफॉर यदि हम इसको 2L को इधर ट्रांसफर कर दें तो SP = मिल जाएगा 2L साइन थीटा, SP = 2L साइन थीटा। अब हम इस SP के मान को यहाँ से ला के पुटअप कर देते हैं तो दैट इम्प्लाइज tau = हो जाएगा MB × 2L sin थीटा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो हमको मालूम है कि M × 2L ये कैपिटल में होता है जिसको हम चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, तो उसको चुंबकीय आघूर्ण लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज tau = हो जाएगा M × B × sin थीटा, ये एक फार्मूला होगा। और इसको यदि हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो अपने को मालूम है कि वेक्टर से A×B = होता है AB sin थीटा, ये वेक्टर से हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि दो सदिशों का जो सदिश गुणा होता है वह AB sin थीटा के बराबर होता है। तो वैसे यहाँ पर MB sin थीटा को हम यदि सदिश रूप में लिखें तो वेक्टर tau = हो जाएगा M×B, तो आप ध्यान रखना इसको हम सदिश रूप में ऐसा भी लिख सकते हैं, क्लियर। तो ये हो गया बल आघूर्ण का मान। अब यहाँ पर कुछ हम स्पेशल केस देखते हैं, स्पेशल केस का मतलब उसको हम विशेष स्थिति में देखते हैं कि यदि हम थीटा का मान, पहला केस यदि थीटा क्या हो, 0 डिग्री हो, तो उस कंडीशन में आप देखो थीटा 0 डिग्री हो, मतलब इसको मैं जीरो करूं तो ये दंड चुंबक क्या होगा, इसके समानांतर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में इस सूत्र में हम मान भर दें तो उस समय tau = हो जाएगा MB sin 0, और साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, इसलिए tau = हो जाएगा M × B, और इस समय जो टा का वैल्यू होता है वह मिनिमम होता है। तो ये मिनिमम टा है जो MB के बराबर होता है, सॉरी साइन 0 0 होता है ना, सॉरी ये पूरा 0 हो गया। तो मिनिमम टार्क किसी भी दंड चुंबक पर कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, मिनिमम टार्क 0 हो सकता है, और कब हो सकता है, जब चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो, समांतर हो, मतलब चुंबक ऐसा हो, तभी थीटा 0 होगा। और सेकंड नंबर का हम केस देखें तो सेकंड नंबर के केस में यदि θ = क्या हो, 90 डिग्री हो, तो उस कंडीशन में tau = हो जाएगा MB sin 90 डिग्री, दैट इम्प्लाइज tau = साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90° 1 होता है, जो कि साइन का सबसे बड़ा मान है। तो जब इसका सबसे बड़ा मान हो जाएगा ये, तो टा का वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाएगा जो MB के बराबर होगा, इस समय टा मैक्सिमम होगा। तो इस तरह से ये स्पेशल केस है कि यदि चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो तो बल आघूर्ण न्यूनतम होता है जो कि 0 होता है, और यदि चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, ऐसा हो, चुंबक यदि ऐसा रखा हो, उस कंडीशन में बल आघूर्ण क्या होता है, अधिकतम होता है जो MB के बराबर। ये सब आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, कॉम्पिटिटिव में काम आएंगे, स्पेशल कंडीशन। तो ये टॉपिक होता है हमारा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर बल आघूर्ण, तो ये बल आघूर्ण का गणना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। देखिए जितना भी फार्मूला डेरिवेशन आप समझते हैं
उसके आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ये कॉन्सेप्ट है इसका, और फार्मूला आपको लर्न करना है ताकि आप न्यूमेरिकल्स में उसको यूज कर सको। क्लियर? अब इसी से रिलेटेड टॉपिक हम आगे पढ़ते हैं कि दंड चुंबक पर किया गया कार्य, तो ये आप देख लीजिए। वैसे नोट्स तो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो स्क्रीनशॉट की जरूरत है नहीं, मेरे पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ में नोट्स मिल रहे हैं, बस वीडियो आप देखने के एक आध दो दिन बाद उसको मैं बना के फिर अपलोड करता हूँ, ठीक है। बाकी कंटिन्यूस मैं आपको बहुत से चैप्टर के मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया है, मेरा नोट्स बहुत मेहनत करके बनाया हुआ यूनिक है, आप उसका फायदा उठाइए अच्छे से। अब यहाँ पर हम इसी टॉपिक में पढ़ते हैं, इस सेम टॉपिक पर कि दंड चुंबक पर किया गया कार्य, कार्य यानी बल अब हम निकालेंगे उस पर कार्य, थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। अब यहाँ पर देखो सेम सिचुएशन है, सिचुएशन सेम है, और हम चुंबक को उसके स्थिति से थीटा कोण घुमाना चाहते हैं, मतलब ये संतुलन की स्थिति में है लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको मैं थोड़ा घुमा दूँ। तो यदि मैं किसी स्थिर वस्तु को घुमाऊंगा तो वो कार्य करना पड़ेगा, तो इसी कार्य की हम गणना करेंगे कि हमको कितना कार्य यहाँ पर करना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम गणना करेंगे कि अल्पकोण मतलब छोटा कोण, अल्पकोण डी थीटा, कभी भी किसी भौतिक राशि के सामने डी लिखते हैं तो उसका डिफरेंशिएट पार्ट कहलाता है, मतलब छोटा भाग। तो अल्पकोण थीटा में घुमाने में किया गया कार्य, ये हम किया गया कार्य निकालते हैं, अल्पकोण थीटा कोण घुमाने में किया गया, या अल्प लिखने की जरूरत नहीं है, डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। तो उसके लिए जो कार्य है उसको हमने डी डब्ल्यू ले लिया, छोटा कार्य। तो कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, तो बल अपने पास क्या है, बल अवगुण बल होता है, और विस्थापन यहाँ पर एक कोणीय विस्थापन है जो कि हो जाएगा डी थीटा। दैट इम्प्लाइज डी डब्ल्यू बराबर, अब टा का मान जो हमने अभी कैलकुलेट किया उसको यहाँ पर पुट अप कर देंगे, तो टा हमने निकाला है एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य है, इसलिए थीटा कोण अब हम उसको घुमाएंगे थीटा, तो थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। अब यदि इसको हम थीटा कोण घुमाएं तो उसमें किया गया कार्य को हम डब्ल्यू ले लेते हैं, ये अल्प कार्य है, ये छोटा कार्य है, थोड़ा सा घुमाने में किया गया कार्य है। अब हम पूरा कार्य निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे किसका, डी डब्ल्यू का, और हम कहाँ से घुमा रहे हैं, स्थिर अवस्था से, मतलब उसका प्रारंभिक विस्थापन शून्य है, और कितना कोण घुमा रहे हैं, थीटा कोण, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा, थीटा, ऐसे लिमिट लगाते हैं। लोअर लिमिट में हम प्रारंभिक स्थिति को लगाते हैं और अपर लिमिट में अंतिम स्थिति को लगाते हैं। अब यहाँ पर डी डब्ल्यू के मान को भर देंगे और इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, ठीक है। तो दैट इम्प्लाइज डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये जीरो टू थीटा, और इसका मान एम बी साइन थीटा डी थीटा। दैट इम्प्लाइज डब्ल्यू इक्वल, ये एम बी कांस्टेंट है, इसका समाकलन नहीं होगा, उसको हम समाकलन से बाहर कर देंगे, तो ये हो जाएगा एम बी इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू थीटा साइन थीटा डी थीटा। दैट इम्प्लाइज डब्ल्यू इक्वल टू एम बी, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा होता है, सॉरी माइनस कॉस थीटा ना, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये होता है माइनस कॉस थीटा, ये हो गया जीरो टू थीटा, साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा, ऐसा सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप मेरा वीडियो देखिए मैथमेटिकल टूल्स, बहुत बार आपको याद दिला चुका। दैट इक्वल माइनस को मैं बाहर कर दूँ तो हो जाएगा माइनस एम बी, अब यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस थीटा माइनस कॉस जीरो। दैट इम्प्लाइज डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एम बी, और कॉस थीटा तो कॉस थीटा होगा, कॉस जीरो का मान होता है कितना, वन, कॉस जीरो वन होता है, तो कॉस थीटा माइनस वन। अब माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एम बी अंडर ब्रैकेट वन माइनस कॉस थीटा, ये होता है चुंबक को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, चुंबक को ये थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। मतलब यदि हम अपने दंड चुंबक को जो इस प्रकार स्थिर अवस्था में है उसको थीटा कोण से घुमाना चाहते हैं,
तो हमको कार्य इतना करना पड़ेगा। किसी न्यूमेरिकल में आपको दे दे कि 30 अंश से घुमाना है, 40 अंश से घुमाना है, तो यहाँ थीटा का मान भर दोगे और एम और बी का मान भर दोगे तो कार्य की गणना हो जाएगी। तो ये उससे रिलेटेड टॉपिक है, थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। इसके बाद जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा वो इस टॉपिक से 100% मिलता हुआ कॉपी है। विद्युत में भी मैंने पढ़ाया था, यदि आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो आपको याद। वैसे चुंबक का जो चैप्टर है वो विद्युत पढ़ने के बाद रिवीजन है, शुरू दिन भी मैं बात बोला था। तो जितने स्टूडेंट्स को हमारे प्रीवियस वीडियो प्रीवियस लेक्चर तैयार हैं उनको ये आसान लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि उसी का रिवीजन हो रहा है। अब हम निकालते हैं स्थितिज ऊर्जा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर कार्य की जगह निकालेंगे अपन क्या, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। तो क्या कर रहे हैं देखो, स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है, हमको ऊर्जा का परिभाषा पता है कि किया गया कार्य क्या कहलाता है, ऊर्जा। किसी पिंड पर जो हम कार्य करते हैं, हमारे कार्य करने की जो क्षमता है, जितना हम उसमें कार्य करते हैं वही उस ऊर्जा के रूप में संचित होता है या खर्च होता है। तो कार्य ही ऊर्जा है। बस यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ऊर्जा निकालने के लिए हम अपने चुंबक को थीटा पाई बाय टू से, अभी हम जीरो से किए थे तो इसको हमको करना पड़ता है पाई बाय टू से थीटा कोण। इसका परिभाषा है, इसकी क्या परिभाषा है कि किसी दंड चुंबक को 90 अंश से मतलब पाई बाय टू से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो पूरा टॉपिक इसका कॉपी रहेगा और सिर्फ आपको क्या कर देना है, लिमिट चेंज कर देना है, ये जीरो के जगह में ये पाई बाय टू, इसी में मैं सुधार करके आपको पढ़ा रहा हूँ इसीलिए रेड से उसको मैं चेंज कर रहा हूँ, पाई बाय टू से थीटा। इस जीरो को भी आप लिख पाई बाय टू से थीटा, अपर लिमिट को भी मैं रेड से कर देता हूँ, ये पाई बाय टू टू थीटा, पाई बाय टू टू थीटा, ये भी हो जाएगा पाई बाय टू से थीटा और यहाँ पर भी हो जाएगा आपका पाई बाय टू से थीटा। अब आप लिमिट रखोगे तो अपर लिमिट तो थीटा ही रहेगा ये, और ये हो जाएगा कास पाई बाय टू, और कास पाई बाय टू होता है जीरो, कास 90 अंश का मान शून्य होता है तो शून्य हो जाएगा। और इस तरह से ये हो जाएगा, यदि ये जीरो हो गया तो अंदर इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस एम बी कास थीटा, और उस समय ये जो किया गया कार्य है कार्य नहीं होगा, इसी किए गए कार्य को लिमिट रखने के तुरंत बाद इस किए गए कार्य को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, ये कार्य ही ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। तो कार्य ही ऊर्जा है, बस ध्यान आपको ये रखना है कि 90 अंश से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, ऊर्जा। तो तीनों टॉपिक एक दूसरे से पूरे कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, तो एक जैसा आप इसको तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान रखना कि हो सकता है ये टॉपिक बहुत से बोर्ड में ना हो, लेकिन मैं इसको इसलिए पढ़ाता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज़ होता है, और फ्यूचर में जब आप कॉम्पिटिटिव के स्टैंडर्ड में आप जब एंट्री करेंगे तो इसका कहीं पर भी मैग्नेट के टॉपिक में काम आ सकता है। ये छोटा सा टॉपिक है और है बहुत इंपॉर्टेंट, तो उसको इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में बोला कि आप अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी सिलेबस को मैच करके कराइए, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। क्योंकि कमेंट्स बॉक्स में मुझे बहुत से स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि सर मैं इस बोर्ड का हूँ, मुझे कैसे तैयारी करना चाहिए, मैं इस बोर्ड का हूँ, कौन सा टॉपिक को पढ़ूँ, क्या छोड़ूँ। तो ये आप अपने सिलेबस से टैली कर लीजिए। वैसे बेसिकली मैं CBSE को फॉलो करता हूँ और आज के डेट में पूरे इंडिया में CBSE का सिलेबस और स्टेट बोर्ड का सिलेबस लगभग सेम हो चुका है, तो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं। ये है स्पर्शजा नियम, स्पर्शजा नियम, और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं टेंजेंट ला। टेंजेंट ला एक छोटा सा नियम है लेकिन है बहुत यूजफुल, और इसका न्यूमेरिकल्स में कई जगह काम आ जाता है, तो फिर वहाँ पर हम कोई स्टूडेंट को बताते नहीं बनता, फिर वहाँ पर हम बोलते हैं एक टेंजेंट ला होता है ये स्पर्शजा, तो स्टूडेंट के दिमाग में कन्फ्यूजन आता है, सर ऐसा तो आप कुछ पढ़ाए नहीं थे, न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज़ कर रहे हैं। ये कॉमन प्रॉब्लम है। अभी आप लोग जब कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन करोगे तो ये आपको समझ में आएगा कि कई एडिशनल टॉपिक जो हमारे सिलेबस में नहीं होता वो सपोर्टिंग टॉपिक है, उसका हमको जरूरत पड़ता है। वहीं पर हम जब डायरेक्ट यूज़ कर देते हैं तो स्टूडेंट्स बहुत परेशान होते हैं कि भाई ये आया कहाँ से।
इसीलिए एक कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन करने वाला टीचर इस बात की हमेशा ध्यान रखता है कि कुछ मैं सपोर्टिंग टॉपिक भी लेते हुए चलूं, ताकि फ्यूचर में जब मैं उनको मैं न्यूमेरिकल्स या कॉम्पिटिटिव के स्टैंडर्ड क्वेश्चन में ले जाऊं तो कोई बात बताऊं तो उनको परेशानी ना हो। तो इनको आप बर्डन नहीं समझना, ये आपके लिए ज़रूरी है, बल्कि इनको छोड़ देने से नुकसान है। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से आप बाद में अपना सिलेबस वो देख सकते हैं। तो स्पर्श या नियम होता क्या है, देखिए स्पर्श या मतलब होता है टेंजेंट, टेन थीटा। इस नियम का कथन यह है कि सबसे पहले जब आप इसका कथन लिखोगे कि नियम है क्या, तो मैं आपको फिगर की सहायता से समझा दूं तो आपको ऐसी समझ में आ जाएगा। देखिए मान लो हमारे पास एक एक समान चुंबकीय क्षेत्र है ये, जो कि पृथ्वी का है, और मैं आपको बताया था पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को हम एच से प्रदर्शित करते हैं। या सपोज ये किसी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है बी, ये किसी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है, कहीं भी बना सकते हैं अपन। ये किसी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है और ये मैं ब्लू इंक से बना रहा हूँ, ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है एच, ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान ना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये पृथ्वी का है, ये चुंबक का है। अब ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र आपको चित्र में दिख रहा है कि दोनों परस्पर लंबवत हैं, और इसमें क्या है, एक दंड चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ है। ये है हमारा बार मैग्नेट जो इसमें स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ है ये, और स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए ये इस क्षेत्र के साथ में माने पृथ्वी के साथ में थीटा कोण बना रहे हैं। ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को मैं फर्स्ट क्षेत्र कहा, और इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को मालूम है दूसरा क्षेत्र का, ये पहला क्षेत्र है ये दूसरा क्षेत्र है। तो पहले क्षेत्र के साथ में क्या है, ये थीटा कोण बना रहा है। तो इस नियम का कहना है कि ये जो दूसरे क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है बी, वो पहले क्षेत्र की तीव्रता एच के टेन थीटा गुना होता है, इसीलिए हम इसको टेंजेंट ला कहते हैं, इसीलिए हम इसको टेंजेंट ला कहते हैं। मतलब अब नियम क्या हो जाएगा, अब ध्यान से सुनिए, यदि दो ये दोनों एक समान तथा परस्पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में एक दंड चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक लटका हो, और स्वतंत्रता पूर्वक लटकते हुए पहले क्षेत्र के साथ में यदि थीटा कोण बना रहा हो, पहले क्षेत्र के साथ में यदि थीटा कोण बना रहा हो, तो दूसरे क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, दूसरे क्षेत्र की जो तीव्रता है वो पहले क्षेत्र की तीव्रता की टेन थीटा गुनी होती है। ये इस नियम का कथन है। फाइनली आपको गणितीय रूप में बी बराबर एस टेन थीटा याद रखना है। अब इसको यदि हम प्रूफ करें तो देखो इस ओर ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये बल लगाएगा जो कि एम बी के बराबर होगा, और इसके अपोजिट भी इधर होगा वो भी एम बी के बराबर होगा। बल युग्म आघूर्ण अभी आपको पढ़ाया, उसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं और ज़्यादा इसको आपको फोकस करके पढ़ा रहा हूँ, अभी पढ़ाया उसे संबंधित है। और यहाँ पर ये जो क्षेत्र है इसको अपनी ओर खींचेगा, तो ये एम एच होगा क्योंकि इसकी तीव्रता एच है, तो एम बी इधर और इधर लगेगा एम एच। तो यहाँ पर इतने दो बल युग्मक आघूर्ण MBMB और दो MHMH कार्य करेगा, और इस कारण ये चुंबक क्या है, संतुलन की स्थिति में रहेगा, ये चारों बल इसको संतुलन में रखे हुए हैं। अब आगे हम इसको देखो, इसको पीछे बढ़ा दें इस तरह से, और इस पर हम क्या करें, लंब डाल दें, क्लियर। तो आप यहाँ पर देखो ये कोण थीटा है, तो संगत कोण है ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्लियर। ये थीटा है तो ये 90 - थीटा हो जाएगा, एक ही मतलब है। तो अब यहाँ पर हम बल युग्मक आघूर्ण यदि हम निकालें तो संतुलन की स्थिति में चुंबक की प्रभाव का ये लंबाई को आप 2L मान लो, इसको तो हम हमेशा मान लेते हैं, और स्मॉल m इसका क्या है, ध्रुव प्राबल्य है। तो इसलिए संतुलन की स्थिति में यदि चुंबक क्या है, संतुलन की स्थिति में हो, तो संतुलन की स्थिति में क्या होगा, MBMB मतलब MB और MB का आघूर्ण, इसका जो आघूर्ण है जो कि बल युग्मक आघूर्ण है, वह बराबर होगा किसके, MH के आघूर्ण के बराबर होगा ये, तभी वो संतुलन में है। माने MH मिलके जितना बल लगा रहे हैं उतना ही बल MBMB मिलके जितना बल लगा रहे हैं उतना ही बल MHMH मिलके लगा रहे हैं, जिसके कारण चुंबक संतुलन में है। तो बल युग्मक आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा MB गुणित
दोनों एम बी के बीच की लंबवत दूरी, तो देखो ये एम बी है और ये एम बी है और इनके बीच की लंबवत दूरी क्या है, एस पी है, तो एम बी इंटू क्या हो जाएगा, एस पी, और ये हो जाएगा एम एच गुणित दोनों एम एच के बीच की लंबवत दूरी, तो एम एच इधर है, एम एच इधर है और इनके बीच की लंबवत दूरी क्या है, ये एन पी है, तो हो जाएगा एन पी। अब दोनों इसको हम साल्व करें तो दोनों साइड से ये जो स्मॉल एम है ये दोनों साइड से कट जाएगा। अब हमको प्रूफ करना है बी बराबर एस टेन थीटा, तो बी को इधर रखो दैट इम्प्लाइज बी और एस पी को उधर ट्रांसफर कर दो, तो हो जाएगा एच इंटू एन पी अपॉन एस पी, और इसको आप चित्र में देखो कि बी बराबर एच इंटू एन पी अपॉन एस पी क्या है, देखो एन पी, ये एन पी है तो थीटा का सामने वाला लंब होता है और ये क्या है एस पी है, आधार है, तो हो जाएगा लंब बटे आधार और कोण है थीटा, तो लंब बटे आधार क्या होता है टेन थीटा होता है, तो हो जाएगा टेन थीटा, ये प्रूफ हो गया। तो ये कहलाता है स्पर्शजा नियम टेंजेंट ला, तो ये फार्मूला आप ध्यान रखना, ये बहुत जगह काम आएगा, क्लियर। तो इस तरह से ये जो स्पर्शजा नियम है, एक बार स्टेटमेंट आप मैं आपको और बताता हूँ कि दो एक समान तथा परस्पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में कोई दंड चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक लटका हो और पहले क्षेत्र के साथ में थीटा कोण बना रहा हो, पहले क्षेत्र के साथ, तो दूसरे क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो पहले क्षेत्र की तीव्रता की टेन थीटा गुनी होती है, दो लाइन का डेरिवेशन है, क्लियर। तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट होता है मैग्नेट का बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद मैं फोर्थ नंबर का जो वीडियो आपके लिए चुंबक के लेके आऊँगा वो कम्प्लीटली फोकस होगा पार्थिव चुंबकत्व, पार्थिव चुंबकत्व मतलब अर्थ मैग्नेटिज्म, मतलब उस चैप्टर में मैंने मैग्नेट के स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि हमारी पृथ्वी जो है वह एक चुंबक है, उसमें चुंबक के सभी गुण हैं, तो स्पेशली हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे कि पृथ्वी का जो चुंबकीय गुण है वो क्या है, उसमें चुंबकीय गुण कैसे आया, कहाँ से आया, कौन कौन से घटक होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा पार्थिव चुंबकत्व और चुंबकत्व के प्रकार मतलब पदार्थ, तो इस पर हमारा फोकस होगा। ये टॉपिक आप अच्छे से रिवाइज करिए, फिर हम फोर्थ टॉपिक में इसके मैग्नेट के नए पार्ट में आपके साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।